नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। सुपर 60 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने वाले संजय दत्त की, जिनके सरेंडर करने के बाद संजय दत्त को पुणे की अरवडा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस वक्त संजय दत्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। संजय दत्त के दोस्त यूसुफ नलवाला को अरवडा जेल में भेज दिया गया है। इसके बाद से संजय को पुणे भेजे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। संजय पहले भी अरवडा जेल में कैदी बनकर वक्त गुजार चुके हैं। संजय दत्त को जल्द ही आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 10 में रखा जाएगा। फिलहाल उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक संजय दत्त के बैरक के पास ही आतंकी अबू जिंदाल को रखा गया था। संजय दत्त भी पहले अंडा सेल में रह चुके हैं और साल 2007 में बैरक नंबर 10 में ही बंद हुए थे। सरेंडर करने गुरुवार को टाडा की विशेष अदालत में पहुंचे संजय दत्त ने कोर्ट से ई सिगरेट, दवाइयां, घर का खाना और गद्दा ले जाने की इजाजत की मांग की। कोर्ट ने संजय दत्त की बाकी सभी मांगों को मान लिया, लेकिन सिगरेट की मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने संजय को सिगरेट न पीने की हिदायत भी दी। मुंबई बम धमाके मामले में सजा पाए जबुनीसी काजी और शरीफ पालकर आज टाडा की कोर्ट में सरेंडर करेंगे। संजय दत्त के साथ ईशा मेमन, यूसुफ नलवाला, अल्ताफ सईद, कारसी अदारी और ने गुरुवार को टाडा की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया था। संजय दत्त को जेल में बावर्ची का काम करते हुए 7-800 रुपए महीना कमाने होंगे। वो हर महीने अपने परिवार से 1500 रुपए भी ले सकते हैं। वो हर महीने 5 लोगों से ही मिल पाएंगे। मिलने का वक्त 20 मिनट का होगा। संजय दत्त पहले जब जेल गए थे तो कारपेंटर बने थे, तब उन्होंने जेल में कुर्सी भी बनाई थी।